सो आज मैं आप सबके सामने बात करूंगी आखिर रेडिएशन होता क्या है। आप सब जानते हैं कि कैंसर का इलाज मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है। एक होता है ऑपरेशन, जिसको सर्जरी बोलते हैं, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। दूसरा तरह का इलाज होता है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, या किरणों द्वारा, विकिरण चिकित्सा के द्वारा अगर कैंसर का इलाज किया जाता है तो उसको रेडिएशन कहा जाता है। और तीसरा इलाज होता है कीमोथेरेपी, यानी कि दवाइयों के द्वारा कैंसर के कीटाणुओं को ख़त्म करना। आज मैं आपसे रेडिएशन थेरेपी के बारे में बात करूँगी। आज एडवांस रेडिएशन ट्रीटमेंट में जितना एडवांसमेंट हुआ है उतना आज की डेट में किसी भी अन्य फील्ड में नहीं है। पहले जब हम मरीज़ को रेडिएशन का ट्रीटमेंट देते थे, अर्थात किरणों द्वारा जब मरीज़ का इलाज किया जाता था, आम भाषा में लोग इसको सिकाई भी बोलते हैं, हालांकि इससे कोई गर्मी नहीं लगती या कोई करंट नहीं लगता या कोई इमीडिएट कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये सिर्फ हाई एनर्जी एक्सरेज होती हैं जिसके द्वारा कैंसर को ठीक किया जाता है। सो शुरू में जब यह बेसिकली दो तरह की मशीन्स होती हैं, कोबाल्ट मशीन्स होती हैं और लीनियर एक्सेलरेटर्स होते हैं। आज के डेट में ज़्यादातर स्थानों पर लीनियर एक्सेलरेटर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कि हाई एनर्जी एक्सरेज के द्वारा कैंसर को ख़त्म करते हैं। कैंसर को जब हमें इलाज देना होता है तो उसमें अलग अलग तरह के प्रकार से रेडिएशन दी जा सकती है। एक होता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, जिसमें ट्यूमर और उसके आसपास के हिस्सों को बराबर की रेडिएशन की डोज लगती है, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स तो ख़त्म होते हैं लेकिन नॉर्मल टिश्यूज़ को भी नुकसान होता है। एक और नई टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी, अर्थात 3D CRT। इसका मतलब ट्यूमर को तीन डायमेंशंस में समझा जाता है और उसकी शेप के हिसाब से जहाँ पे वो ट्यूमर जा सकता है उन हिस्सों में रेडिएशन दिया जाता है। और इस तरह से जो ट्यूमर के आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। एक अन्य तकनीक होती है जिसको बोला जाता है IMRT, अर्थात इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम रेडिएशन के बीम्स की इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट कर देते हैं, मतलब रेडिएशन के बीम की इंटेंसिटी को वेरी को बदलते हैं, जिस तरह से ट्यूमर के ऊपर रेडिएशन की हाई इंटेंसिटी दी जाती है, जबकि जो ट्यूमर के आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आँख की पुतली, आपके थूक बनाने के ग्रंथियाँ, जीभ, होंठ, उस तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम दी जाती है, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली 6 से 7 हफ्ते चलता है। हफ्ते में 5 दिन ट्रीटमेंट दिया जाता है, यह मुश्किल से कुछ मिनट्स का ट्रीटमेंट होता है। और एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं IGRT। IGRT का मतलब है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसका मतलब है कि हर ट्रीटमेंट देने से पहले पेशेंट की एक इमेज ली जाती है और यह समझा जाता है कि ट्यूमर मूव तो नहीं कर रहा, ट्यूमर अपनी जगह से हिल तो नहीं रहा है। अगर ट्यूमर हिलता है तो रेडिएशन की बीम को ट्यूमर के साथ साथ मूव किया जाता है, जिससे कि रेडिएशन की बीम को ट्यूमर के ऊपर ही फोकस किया जा सके। इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और ट्रीटमेंट एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। फिर कुछ और टेक्निक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। इसमें कन्वेंशनल रेडिएशन से यह फ़र्क है कि इसमें हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं और वो ट्रीटमेंट सिर्फ ट्यूमर के ऊपर फोकस किया जाता है और ट्यूमर के आसपास के स्ट्रक्चर्स को बहुत कम रेडिएशन की डोज मिलती है। यह ट्रीटमेंट मुश्किल से 3 से 5 सेटिंग्स में पूरा किया जाता है। तो कुछ बहुत अर्ली ट्यूमर्स में जिनमें सिर्फ एक सिटिंग में बहुत हाई डोज रेडिएशन की दी जाती है, जैसे कि कुछ ब्रेन ट्यूमर्स में, या जो अगर बीमारी दिमाग के अंदर पहुंच गई है तो उनमें, और ट्यूमर का साइज़ छोटा है, 3 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है, तो उसमें हम रेडिएशन की हाई डोज सिर्फ एक ही सिटिंग में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो 3 या 5 सिटिंग में किए जाते हैं और इनके द्वारा न केवल ब्रेन ट्यूमर्स बल्कि लिवर ट्यूमर, फेफड़े के कैंसर्स, हड्डी के कैंसर्स, एड्रिनल कैंसर्स को, इन लिम्फ नोड्स जिनमें बीमारी वापस आ रही हो, उन हिस्सों को भी हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हमारे पास नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रू बीम STX नाम की एक नई मशीन है, जिसके द्वारा हम रेडिएशन के नॉर्मल कन्वेंशनल रेडिएशन तो कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ इसमें वो सारे ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि स्टीरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या स्टीरोटैक्टिक रेडियोथेरेपी के द्वारा किए जाते हैं।
इसके अलावा एक और रेडिएशन की टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है ब्रेकेथेरेपी। ब्रेकेथेरेपी का मतलब है कि आप रेडिएशन का ट्रीटमेंट, डिस्टेंस का जो ट्रीटमेंट का जो सोर्स है वो ट्यूमर के पास ही होता है, मतलब रेडिएशन के सोर्स को ट्यूमर के अंदर रखा जाता है जिसके द्वारा, किरणों द्वारा ट्यूमर को ठीक किया जाता है। ब्रेकेथेरेपी का ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास में यह ट्यूमर में ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, फेफड़े के अंदर इंट्राल्यूमिनल ब्रोंकस के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके अलावा खाने की नली में फूड पाइप के अंदर भी ये ब्रेकेथेरेपी का इस्तेमाल होता है। कुछ ट्यूमर्स जो जिनको पहले रेडिएशन मिल चुका है और अगर वो शरीर के हिस्से में दोबारा आते हैं, जैसे गर्दन के अंदर लिम्फ नोड्स अगर दोबारा आते हैं, तो उनमें भी ब्रेकेथेरेपी का ट्रीटमेंट यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे पास लेटेस्ट मशीन है जिसको गामा मेट ब्रेकेथेरेपी मशीन कहा गया है, जिसके द्वारा ब्रेकेथेरेपी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो रेडिएशन के ट्रीटमेंट से घबराइए मत, 60 to 70% कैंसर के पेशेंट्स को रेडिएशन ट्रीटमेंट की लाइफ टाइम में ज़रूरत पड़ती है, और यह न केवल सिम्टम्स को कम करता है, ट्यूमर को ख़त्म करता है, बल्कि अगर किसी मरीज़ को कोई दर्द हो रहा है तो उसको भी बहुत जल्दी से शरीर से दर्द को कम करता है और शरीर से कैंसर को ख़त्म करता है। सो रेडिएशन से घबराइए मत, बल्कि अपने डॉक्टर से मिलें जो आपको सही तरीके से हाई प्रिसीजन ट्रीटमेंट दे सकें। और आजकल हम बहुत कम, कुछ ही मिनटों का यह ट्रीटमेंट होता है, आप यह ओपीडी प्रोसीजर है, आप हॉस्पिटल में रोज़ आकर अपना ट्रीटमेंट करा के घर जा सकते हैं, इसके लिए कोई दाखिले की ज़रूरत नहीं है। सो रेडिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। सो इसलिए अगर किसी भी मरीज़ को रेडिएशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वह अपने चिकित्सक से संपर्क करें ताकि वो कैंसर मुक्त हो सके। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और कैंसर मुक्त रहें। नमस्कार।